परमधाम और सभी ब्रह्म सृष्टियां विराजमान हैं। ऐसा ही हम अपने दिल में देखकर, अपने दिल के खिलवत स्वरूप की पहचान कर और उसी में स्थित हो जाएं, जहां प्रेम की रसधारा बहती है। और इश्क माहे रूहन, धाम धनी का स्वरूप, इश्क का स्वरूप। और इश्क माहे रूहन, हके अर्स कहया जाको दिल। उसका ही दिल अर्श होगा जिसमें जुगल स्वरूप विराजमान। और इश्क माहे रूहन, हके अर्स कहया जाको दिल। हके दिल दे, रूहों दिल लिया, यों एक हुए हिल मिल। हम अपने अंदर राज्य के चरण कमल, उनका नूरी स्वरूप, उनके दिल के साथ अपने दिल में महसूस करें। यही कारण है कि इस नश्वर ब्रह्मांड में, नश्वर तनों में आके आत्मा विराजमान हुई, आत्मा के दिल में राज्य का साक्षात आवेश स्वरूप विराजमान होता है। और ये दिल, ये तन का दिल, जो तन का एक नाम है आदमी, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। परमधाम में परातम का दिल तो अर्श है ही, लेकिन यहां पर आदमी के दिल को राज्य ने ही अर्श कहा। मैं कहूं कि मेरा दिल अर्श, तुम्हारा दिल अर्श, इसका कोई मायने नहीं। मायने है अगर राज्य कहते हैं, वो सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर, पर ये आशिक माशूक की वाहे तत, बिना आशिक न कोई कादर। राज्य को छोड़कर कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता कि इस मिटने वाले क्षर ब्रह्मांड के अंदर, इस नश्वर तन जिसके अंदर क्या बहता है आप किरण तन में पढ़ सकते हैं। ऐसे तन को जिस आदमी ने धारण किया, उसके दिल को अर्श कहा। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। लेकिन अपनी रूहों से राज्य को इतना प्यार है कि वो रूहें जहां भी होती हैं, वो राज्य की नजर में होती हैं, और वो नजर ही राज्य का आवेश स्वरूप लेकर हुक्म के साथ इन तन में विराजमान होता है, और हम अपने दिल को अर्श कहते हैं। अब एक बात, 3 दिन से स्वामी जी का आदेश भी था, लेकिन हम ठीक से कर नहीं पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अभी थोड़े से समय में मैं उसका बयान जरूर करना चाहूंगा। ये तन मिला, ध्यान किया, चितवन किया, वाणी पढ़ी, सुंदर साथ के समागम में हम सब मिले, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये तन छूटने के बाद हमें जाना कहाँ है? ये तन छूटेगा ये तो निश्चित है। हाँ, अगर हमने जुगल स्वरूप को इस तरह से बसा लिया है तो काल हमें नहीं ले जाएगा, क्योंकि राज्य अपने हुक्म से मेरी बाई ओर जबराइल को खड़ा कर रखा है, दाई ओर असराफील को खड़ा कर रखा है। और अगर हमें बुलाना भी होगा तो वो जबराइल को आदेश देंगे कि जाओ मेरी इस प्यारी अंगना को लेके आओ। और जब वो आदेश देंगे तो जबराइल भी हमारी इजाजत मांगेगा कि हुजूर साहब आपके दीदार करना चाहते हैं, चलेंगे। और तब हम चलेंगे तो राज्य के पास पहुंचेंगे।
तो ये तन छूटना तो निश्चित है, लेकिन छूटने के बाद हमें जाना कहां है। हम लोग ये कहते हैं हम परम धाम चले जाएंगे, हम तो परम धाम की आत्मा है और वहां चले जाएंगे। हां जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब तक 12,000 की 12,000 आत्माएं पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती, तब तक परम धाम में पर आत्म उठ खड़ी नहीं होगी और आत्म उससे अरस परस नहीं हो पाएगी। तो जाना कहां है परम धाम? तो अभी नहीं जा सकते तो कहां जाएंगे? जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी वो जिमी माहे, पांचों पहुंचे पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े ना है। अब एक एक करके सुंदर सात तन छोड़ता है, आज से नहीं। श्री पन्ना मैंने जब साक्षात अक्षरातीत काव्य स्वरूप लीला कर रहा था तो कितने सुंदर सात उनके सामने गए, कितने उनके अंतर्ध्यान होने के बाद गए। अंतर्ध्यान के मतलब गायब नहीं हो गए, गुम्मट जी की तरेटी में जाके योग मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में विराजमान हो गए। तो अब हम कहां जाएंगे? क्योंकि एक एक करके जाते जा रहे हैं और जब 12,000 आत्माएं जागृत हो जाएंगी तो उन्हें जाना कहां है? तो वही कह रहे हैं जो कदी वो आगे चली, मतलब तन छोड़ दिया, जिमी बैठी वो जिमी माहे। मेरा प्यारा सुंदर साथ, क्या जिमी समझता है? जिमी बैठी वो जिमी माहे, कौन सी जिमी बेटा? जिमी बैठी वो जिमी माहे। आप लोग हमारे प्रिय राजन स्वामी जी के पास बैठते नहीं हो, सीखते नहीं हो। जिमी दिल को कहते हैं, जिमी दिल को कहते हैं। खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाही रसम। जब मेहर राज ठाकुर ने धनी देवचंद जी का पहली बार दीदार किया तो देखते ही पहचान गए कि इसके अंदर परम धाम का अंकुर है, इंद्रावती की वासना है। और फिर खेड़ी जिमी, उसको हल चलाया, उसमें पानी डाला, अमृत रस पिलाया और सो उग्या वाही रसम। तो जिमी की तुलना आत्म के दिल से की गई है, खासी जान खेड़ी जिमी। तो ये जिमी बैठी वो जिमी माहे, आत्मा का दिल अक्षरातीत के दिल में उनके चरणों में विराजमान होगी। तो इस ब्रह्मांड में वो हमारा विश्राम ग्रह है। परम धाम की यात्रा में तो हम अभी से निकल पड़े हैं, हमने ये पहचान कर ली है कि मेरे अंदर परम धाम का अंकुर है, आत्मा है, और आत्मरूपी से ध्यान और चितवन के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा मैं अपने मूल तन को पहचान रही हूं, उसके दिल को मैं अपने दिल में देख रही हूं, जिस दिल के अंदर जुगल स्वरूप अपने अनंत परम धाम के ऐश्वर्य के साथ विराजमान है। और वो दिल इस आत्मा के दिल में है और वही राज्य विराजमान कहां पर है? श्री गुम्मट की तरहटी में साक्षात उनका स्वरूप आज भी है। हमारे इस दुनिया में
भ्रांति रहती है कि कोई इतने वर्ष तक तन को जीवित कैसे रख सकता है। शिव जी 5000 वर्ष तक ध्यान में थे उमा के पास आने के पहले। तो जब तक आत्माएं जागृत नहीं होंगी, अक्षरातीत उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ ही रहेंगे। और आप सबको तो पता है कि वो मिहिरराज ठाकुर का तन नहीं है, मालूम है ना सुंदर सात, किसका तन है? अक्षरातीत का। और ये तन अक्षरातीत ने धारण कब किया? जब मिहिरराज ठाकुर के अंदर विराजमान जीव ने उसको छोड़ दिया, उसकी कसनी, उसकी तपस्या विरह की आग में, उस जीव के अंदर जो जन्म जन्मांतरों का संस्कार रूपी जंगल था, विरह की आग ने उसे जला के राख कर दिया। और वो अग्नि ने जो प्रकाश फैलाया, उस प्रकाश में जागृत बुद्धि का प्रवेश हुआ और वो तन अक्षरातीत का हो गया। सुंदर सात, ये बात हमने कुछ सुंदर सात के बीच में कई बार किया है, आज फिर से सबके बीच में एक बार कह इसलिए रहा हूं कि जिसने ना सुना हो वो सुन ले, और अगर संसार को सुनने का मौका मिले तो वो भी सुन ले। कैसे? श्री कलश ग्रंथ में राज्य ने इस बात की पहचान दी है। जब आह भिसुकी अंग में श्वास भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब विरह की आग ने इतना सुखा दिया कि हमारी जो आह थी वो भी रुक गई, और श्वास भी छोड़ो संग। और जैसे श्वास किसी भी तन से निकल जाए तो वो तन तो मुर्दा कहलाता है, तो उस जीव ने एक प्रकार से उस तन को छोड़ दिया। आत्मा जो उसके अंदर बैठी थी, उसके विरह के अग्नि से वो सब कुछ जल के खाक हो गया। मैं तो अपना दे रही, अब ये आत्मा कह रही है कि जिस तन को आपने हमें दिया था, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। कौन सा बल? राजी ने अपने हुक्म का बल उसको प्रदान किया। बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो, पियो के कुछ कार्य बाकी है। जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी व्रत भी राखो विरहिन। अब आपने अपना अंग देके इस तन को धारण कर लिया, इस जीव को हुक्म का बल दे दिया, और जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, कारण भी आप ही हो, और जो कार्य होगा इस तन से वो भी आप ही करेंगे। तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, अब मेरी आत्म की आस को पूरा किया, व्रत भी राखो विरहिन। आत्म की आस को क्या पूरा किया? धनी से मिलन, धनी आके उसके दिल में विराजमान हो गए, आत्म के दिल में। व्रत भी राखो विरहिन, व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है लाज। इस संसार में आत्महत्या बहुत बड़ा गुनाह होता है, तो उस तन से जब श्वास छूट गया तो एक प्रकार से वो आत्महत्या का स्वरूप हो गया। लेकिन राजी ने उसी तन को वापस खड़ा कर दिया, उसको
उसके अंदर विराजमान हो गए तो तन गया कहां, कहीं गया ही नहीं, वो तो वहीं था। और वही तन जब जामनगर के प्रबोधपुरी से हफ्सा से, हफ्सा माने जेल, जहां पे थे आप सभी सुंदर साथ बीतक के पंडित हो चुके हो, तो वहां से जब चले तो सारा चलना और आत्माओं का जुड़ना, सुंदर साथ का जुड़ना, ये सारी क्रिया अक्षरातीत की थी। अक्षरातीत ही चले, क्या वो मंगलपुरी हो या पद्मावतीपुरी, अक्षरातीत। और अक्षरातीत आए और यहां पर जब वो उनके अंदर विराजमान इंद्रावती अब जुगल स्वरूप के बिना एक क्षण भी रहना नहीं चाहती। अब हमसे रहो न जावही, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अगिन। तो अब वो इंद्रावती जब वाणी नाजिल हो गई, उतर गई सुंदर साथ को सुख पहुंचाने के वास्ते, सुंदर साथ के अंदर विराजमान आत्मा को जागृत करने के वास्ते, जीवों को भी उठ खड़ा होने के वास्ते, सत्य की राह पकड़ाने के वास्ते, श्री कुलजम स्वरूप 14 ग्रंथ जब आ गए तो इंद्रावती हर घड़ी हर पल चितवन में, मूल मिलावे में जुगल स्वरूप के साथ एक रस होना चाहती थी। बहुत दिन ऐसा चलता रहा, बंगला साहेब में, पन्ना जी में कुछ आखिर के किरंतन उतरते रहे, 92 प्रकरण, 91, 93 ऐसे, जिसमें धाम चलने की बात कही गई है सुरता से। उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं आसीन होना चाहता हूं। तो बंगला साहब में सभी बहुत दुखी हो गए कि धनी हमको छोड़ के जा रहे हैं। छत्रसाल जी ने तो कटार तक निकाल ली अपने आप को समाप्त करने के लिए, लेकिन अक्षरातीत का हाथ जाको धनिये पकड़े हाथ रोक दिया और उनसे कहा मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं, लेकिन तुमसे मिलूंगा नहीं। तो फिर सुंदर साथ का घना क्रंदन, तो उन्होंने कहा अच्छा कभी कभी। तो सुंदर साथ ने प्यार से उनको कंचन रंग के झूले पर श्री गुम्मट जी की तरहटी में पधरा दिया और वो चितवन में लग गए। लेकिन साल भर तक कुछ परमहंसों को वो आदेश दे देते थे, वो जाके मिल लेते थे और जो आशीर्वाद स्वरूप आदेश मिलता था उसको आकर पालन करते थे। फिर कुछ सांसारिक घटना हुई, एक बूढ़ी माता चली गई सबके पीछे उसके अंदर और बोली हमारी बेटी की शादी करा दो। अब ये माहौल तो था नहीं, तो धामधनी ने वो दरवाजा बंद कर दिया, अब कोई भी नहीं जा सकता। अब हम फिर भी जा सकते हैं, कैसे, जिमी बैठी वो जिमी माए, अपनी सुरता मूल मिलावे में, श्री गुम्मट जी में, तरहटी में बैठे विराजमान साक्षात अक्षरातीत के चरण कमल, रू अपनी असल छोड़े नाए, उसी दिल में हमारा आत्म का दिल जाएगा। तन छोड़ने के बाद अगर इस संसार में हम उस राह पर चल के अपनी आत्मा की जागृति कर लेते हैं तो
अगर आत्मा की जागृति ये तन रहते रहते ये सुंदर सुनहरा अवसर आते आते रहते रहते भी हम गंवा दें तो हमारे जैसा बदनसीब इस ब्रह्मांड में न कोई था न है और न होगा। सोचो जहां पे चितवन ध्यान वाणी सत्संग सुंदर सात समागम मिलने का अवसर है, सुंदर साथ इस सुनहरे को अवसर को मत खो, चेतो सावधान हो जाओ, आत्मा जागृत कर लो इस तन के रहते रहते और हमारी सुरता हमारी आत्मा पहुंच जाएगी राज्य के चरणों में श्री गुम्मट जी इस ब्रह्मांड में परम धाम का स्वरूप बुंदेलखंड के श्री परना मिने श्री गुम्मट जी है। सुंदर साथ हमसे पूछता है कि बंगला साहब के बारे में आपके क्या विचार, तो क्या वो बंगला साहब हो, धनी देवचंद्र जी का सदगुरु का मंदिर हो, क्या वो बाईजूराज जी का हो, क्या चौपड़ा मंदिर हो, क्या खीजड़ा मंदिर हो, सारे मंदिरों का स्वरूप श्री गुम्मट जी में विराजमान है। और जब हम अपना समर्पण करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा में मगन होते हैं तो देखो तरहती में विराजमान साक्षात अक्षरातीत का हुक्म स्वरूप एक वृक्ष के रूप में प्रकट होता है जिसके अंदर 14 डालियां हैं, रास खट ऋतु प्रकाश कलश सनंद खुलासा किरंतन खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मार्फत कयामत नामा। ये 14 फल अनंत रंगों के साथ अनंत धनी के दिल के रस के साथ हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ मोमिन, हक इलम से होत है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार के और नूर के पार। तो सुंदर साथ जब उस उनके वांगमय स्वरूप जो ऊपर सबके लिए पधरा है, इस तन से हम तरेटी में नहीं जा सकते लेकिन तन छूटने के बाद अगर मेरी आत्मा जागृत हो जाती है तो हम तरेटी में ही साक्षात अक्षरातीत के चरणों में पहुंचेंगे, उनके दिल में प्रवेश करेंगे। जिमी बैठी वो जिमी माँ है तो वहां पर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक ये तन है, उन्होंने स्वयं ने अपना वांगमय इल्म स्वरूप वहां सुंदर सिंहासन पर 12 थंबों वाले सिंहासन पर जो पाटघाट का स्वरूप है परम धाम में, सिर्फ पाटघाट में 12 थंब ऊपर हैं और कहीं नहीं, जहां कहीं भी सिंहासन है वो 6 थंबों वाला है। लेकिन पाटघाट 12 थंबों का है और आप गुम्मट जी को देखें उसका ध्यान करें तो उसमें भी वही 12 थंब है और इल्म रूपी जमुना जी इश्क के प्रवाह से बह रही है। और जब हम पूरे श्रद्धा के साथ समर्पण के साथ विश्वास के साथ सेवा के साथ हम जब उस स्वरूप पर अपने आप को कुर्बान करते हैं तो हमारी आत्मा के आंचल में उसके सुंदर मीठे रसीले रंग भरे फल आ जाते हैं। और उस फलों का मैं तो रसपान करती हूं और अपनी संगी आत्माओं को भी कराती हूं। यह है हमारी गुम्मट जी की महिमा। सुंदर साथ अब बस वाणी है, गुम्मट जी है और सुंदर साथ के बीच में ये समागम है और ये
आंकड़ी खुलती है हमारे परम आदरणीय श्री राजन स्वामी के सानिध्य में। आज हम जो कुछ भी ये बोल पा रहे हैं उन्हीं की बदौलत। खैर, तो ये है सुंदर सात मूल विषय कि गुम्मट जी को पत्थर का मंदिर न समझ लेना, उसके लिए कभी अपने शब्दों में गलत बात गलती से भी ना आए, गलती से भी हम गलती ना करें, क्योंकि वही हमारे धाम के धनी प्रीतम विराजमान है और तन छोड़ने के बाद हमें वहीं पहुंचना है। पांचों पहुंचे पांचों में, तन तो मिल जाएगा खाक में, लेकिन हम पहुंचेंगे धनी के दिल में। और लेकिन जब तक तन है, इस इल्म स्वरूप को ग्रहण करें और श्री गुम्मट जी में पूर्ण श्रद्धा के साथ कुर्बान हो जाएं उस हक के स्वरूप पर। यही आप सभी सुंदर सात के चरणों में कहना था, कह दिया, लेना है ले लो, ले लो ले लो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।